गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर आकाश के जो पिताजी हैं वो आकाश से कुछ बातें कर रहे थे, वो उसकी माँ के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। इफ़ यू डोंट केयर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, यदि तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, एटलीस्ट कम से कम स्पेयर अ थाट, है ना, एक थाट तो रखो, एक विचार तो रखो फॉर योर पुअर मदर, अपनी पुअर बेचारी माँ के लिए, है ना। जस्ट सी हर कंडीशन, केवल उसकी कंडीशन को देखो, उसकी स्थिति को देखो, कंडीशन मीन्स स्थिति। सी हैज़ गॉन हाफ मैड, वो आधी पागल हो चुकी है, वरिंग अबाउट यू, वरिंग मतलब चिंता करते हुए, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में चिंता कर करके वो क्या हो गई है, आधी पागल हो गई है। फादर, यहाँ पर आकाश बोलता है, पिताजी आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू, मैं कभी भी आपको कन्विंस कर लूँ इसका मैं एबल नहीं हो सकता। एबल मतलब समर्थ होना, कन्विंस मतलब समझा पाना, ठीक है। यू अबाउट माई एक्शन, आपको अबाउट माई एक्शन, मेरे काम के बारे में, ठीक है। ऑल आई कैन से, वो सब कुछ जो मैं कह सकता हूँ या कह रहा हूँ इज दैट, वो यह है कि आई हैव द सेटिस्फैक्शन, मुझे क्या है, सेटिस्फैक्शन है, है ना, दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स, है ना, कि मैं क्या हो गया, एबल हो गया, समर्थ हो गया, क्या करने में, सेव करने में, बचा पाने में, सो मैनी लाइव्स, बहुत सारे जीवन को बचा पाने में मैं समर्थ हुआ, इसका मुझे सेटिस्फैक्शन है ना, मुझे संतुष्टि है। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इफ़ आई हैव टॉर्चर यू, यदि मैंने आपको टॉर्चर किया, टॉर्चर मतलब प्रताड़ित, ठीक है, तो यदि मैंने आपको प्रताड़ित किया तो मुझे इसके लिए क्षमा करिए। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कृपया समझने की कोशिश करिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मतलब कोशिश करना, ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, समझने की कोशिश करिए, दैट कि आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं कोई मदद नहीं कर सकता था, आई कांट वॉच पीपल डाइंग, मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था, डाइंग मतलब मरना होता है, पीपल मतलब लोग, वॉच मतलब देखना, ठीक है, तो मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था, ऑल अराउंड मी, मेरे चारों, एंड नॉट डू एनीथिंग, और मैं कुछ ना करूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, है ना। आगे कहानी में होता है, आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, ठीक है, एक महीने तक जो बैटलिंग हुआ, लड़ाई हुआ आकाश की बीमारी और आकाश के बीच में, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म, ठीक है, तो अंत में आकाश मर गया, कहाँ मरा, इन हिज मदर्स आर्म, उसकी माँ की गोद में मर गया। द एंटायर विलेज, एंटायर मतलब पूरी, विलेज मतलब गांव, वाज देयर, वो वहाँ पर था, एट हिज क्रेमेशन, क्रेमेशन मतलब होता है दाह संस्कार, तो उसके दाह संस्कार में पूरा का पूरा विलेज उसके साथ में था, एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई, वहाँ पर कोई ऐसी आँख नहीं थी, वन आई, एक आँख भी नहीं थी, विच वॉज ड्राई, जो सूखी थी, मतलब सारे के सारे लोग आकाश के मरने पर रो रहे थे, है ना। द विलेजर डिसाइड टू पे होमेज टू आकाश, ठीक है, डिसाइड मतलब निर्णय लेना होता है, पे मतलब चुकाना होता है, होमेज मतलब श्रद्धांजलि, ठीक है, आकाश की जो होमेज थी, आकाश की जो कर्ज था उसको चुकाने का गांव वालों ने निर्णय लिया, ठीक है। द लॉन्च अ ड्राइव, लॉन्च मतलब सेट करना होता है, ठीक है, जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, ठीक है, वही है, सेट करना, ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन, तो उन्होंने कौन सा लॉन्च किया, कलेक्ट डोनेशन, डोनेशन कलेक्ट करने के लिए लॉन्च किया, मतलब उन्होंने डोनेशन, डोनेशन मतलब दान होता है ना, दान कलेक्ट करना चालू किया, एकत्रित करना चालू किया, क्या बनाने के लिए दान चाहिए उनको, फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल, उन्होंने क्या चाहिए था, एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाना था, बिल्डिंग मतलब बनाने के लिए, इन द विलेज, गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने के लिए उन्होंने डोनेशन एकत्रित करना चालू किए। दे अप्रोच द लोकल MLA, है ना, लोकल जो पास पास के समीप के जो MLA था, MLA जानते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो वो उनके पास गए, अप्रोच मतलब पहुँचे, हु एग्रीड, जो तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए वो भी तैयार हो गया, टू ऑर्गेनाइज, है ना, ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, संगठित करना,
अ हेफ्टी डोनेशन, हेफ्टी मतलब बहुत भारी या ज़्यादा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डोनेशन देने के लिए भी तैयार हो गया। थिंकिंग दैट, ये सोच के कि द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है, हॉस्पिटल का जो नाम होगा वो उस MLA के नाम से बनेगा, ये सोच के उसने हेफ्टी डोनेशन देने को भी तैयार हो गया। हेफ्टी मतलब भारी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाउएवर, लेकिन द विलेजर्स वर एडम्प्ट, ठीक है, ये एडम्प्ट हम पहले भी देख चुके हैं, दृढ़ निश्चय होना होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो गांव वाले जो थे वो दृढ़ निश्चय ही थे, उन्होंने ठान लिया था। दे टुक द मनी, उन्होंने पैसा लिया, बिल्ड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का निर्माण किया, एंड कॉल्ड, और बुलाया या नाम रखा आकाश पेरेंट्स, उन्होंने आकाश के पेरेंट्स को बुलाया, आकाश के पेरेंट्स को वहाँ आमंत्रित किए, इनवाइट किए फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, कहाँ पर, ओपनिंग सेरेमनी के लिए उन्होंने बुलाया, उसका उद्घाटन करने के लिए उन्होंने किसको बुलाया, आकाश के फादर्स को, आकाश के मदर्स को वहाँ बुलाए। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, ठीक है, आकाश के फादर ने इनॉग्रेट किया उसका, क्या किए, उद्घाटन किया किसका, उस हॉस्पिटल का, ठीक है। कम आओ, आई वॉन्ट टू शो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ यू समथिंग, ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ समथिंग, कोई चीज को, नाना जी सेड। अब नाना जी ने कहा, किनको कहा, नैना को कहा, अजीत को कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ। एंड टेकिंग दियर हैंड्स, और उनके हाथ को वो पकड़े, इन हिज, है ना, अपने हाथ में, ही लेड देम टू अ बिल्डिंग, और उन्हें एक बिल्डिंग के पास ले गए, एक बहुत बड़े मकान के पास ले गए, अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स, जो केवल 100 मीटर दूर था, बिहाइंड, पीछे था द पीपल ट्री, ठीक है, उस पीपल वाले पेड़ के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, ठीक है। दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ब्लू बोर्ड, है ना, स्टॉप मतलब रुके, इन फ्रंट ऑफ के सामने में, ब्लू बोर्ड, एक ब्लू बोर्ड था उसके सामने में वे रुके। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, नैना क्या करो, पढ़ो, ठीक है, रीड पढ़ो, व्हाट इज रिटन, क्या लिखा है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल लिखा था, इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, ठीक है, मेमोरी मतलब याद में बनाया गया था, किसकी याद में बनाया गया था, डॉक्टर आकाश राय की याद में बनाया गया था, हु सेव दिस विलेज फ्रॉम डेथ, है ना, जिसने इस विलेज को, इस गांव को बचाया था, सेव किया था, सुरक्षित रखा था फ्रॉम डेथ, मृत्यु से। नैना लुक एट हर ग्रैंडफादर, ठीक है, नैना ने अपने ग्रैंडफादर को, है ना, मतलब नाना जी को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो अपने नाना जी को क्या उसने देखा, हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, उनकी जो आंखें थी वो क्या हो गई थी, वेट हो चुकी थी, गीले हो चुके थे, किससे, टीयर से, आंसुओं से, मतलब वो उनकी आंखें, आंखों में आंसू आ गया था, ठीक है। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, है ना, आपका जो सरनेम है वो भी तो राय है, वाज ही योर, यहाँ पर जो डॉट डॉट है इसका मतलब यही है कि क्या ये आपके ही बेटे थे, है ना, यस माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, ही वॉज माई सन, वो मेरा बेटा था, योर मदर्स एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब बड़ा होता है, तुम्हारी माँ की बड़ा भाई, इज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है, मैं एक प्रोफेसर हूँ, किसका, फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ, है ना, आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, मैं न्यू मतलब जानना होता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, अबाउट मतलब के बारे में, एवरीथिंग मतलब सब कुछ के बारे में, मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है, सब कुछ के बारे में मैं ऐसा सोचता था, आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा ऐसा सोचता था, बट माई सन, लेकिन मेरे बेटे ने टॉट मी, मुझे सिखाया द ट्रू एसेंस, है ना, ट्रू एसेंस, ट्रू मतलब सच्चाई, एसेंस मतलब अर्थ होता है, ऑफ द टर्म, किसका, इस टर्म का, इस शब्द का, उसका नाम क्या है, सर्विस, सेवा, ठीक है, द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियोटिज्म, जो सच
सच्चाई है, जो वास्तविक मीनिंग है, वो क्या है? वही पेट्रियोटिज्म का ये मीनिंग है। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हम सीखते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें देशभक्त होना हो तो हम लड़ाई के मैदान में जाके लड़ें, या फिर हम क्या करें, फांसी, देश के लिए फांसी में लटक जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है। अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, इसलिए हमें छोटी छोटी सेवाओं के द्वारा, हमारे जो काम है उस काम के प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठता के द्वारा हम अपनी देशभक्ति को शो कर सकते हैं। आप बच्चे भी शो कर सकते हैं अच्छी तरह से पढ़ाई करके। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप भी पेट्रोएट हैं, आप भी देशभक्त हैं। अबाउट द अथर, अथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामेंद्र कुमार ये इसके राइटर हैं, इज़ एन इंडियन राइटर ऑफ फॉर चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे, बच्चों के लिए राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, भारत के ही राइटर हैं। ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा है मोर देन 20 बुक्स सो फार, है ना, 20 से भी ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है। हिज बुक्स, उनकी जो किताबें हैं, हैव बिन ट्रांसलेटेड, उन्हें ट्रांसलेट किया गया है, है ना, उन्हें ट्रांसलेट मतलब क्या होता है, अनुवाद किया गया है इन 7 फॉरेन, है ना, 7 फॉरेन भाषाओं में। ठीक है, 7 फॉरेन भाषाओं में मतलब विदेशी भाषाओं में, एंड 8 इंडियन लैंग्वेज, और 8 भारतीय भाषाओं में, मतलब टोटल 8 or 7, 15 भाषाओं में उनकी जो किताब हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी दिया है जिसको आप लोग देख लेंगे, अनफॉर्चुनेटली मैं सैडली दुखी होना। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी हैं, इनको अच्छे से तुम लोग अध्ययन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।